मैं कहीं पकड़ूं यार। एक और पकड़ ले, एक और मुल्ला ही पकड़ लो यार। अरे यार जा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आपने क्लिप देखी होगी, तो दोस्तों मुल्ला जी बहुत घबरा गए थे और मुझसे कह रहे थे मेरी छोटी छोटी बच्ची है 6, मैं उनके लिए अंगूर लेके जा रहा हूँ। अब भाई तूने कहाँ फंसा लिया मुझे यार, मुझे छोड़ दे भाई। तो दोस्तों बहुत अच्छे रिएक्शन आने वाले इस वीडियो में, और मुल्ला जी बड़े खुश हुए जब हमने उनकी हेल्प करी, तो उनकी बड़ा उनके चेहरे में बड़ी मुस्कान आई। और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखा करें दोस्तों, तो इसकी बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि तभी पूरी वीडियो जब कहानी समझोगे तभी मजा आने वाला है वीडियो में, और रिएक्शन ही बहुत अच्छे आने वाले मुल्ला जी के। तो आप वीडियो देखिए, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। और आप लोग ऐसी वैसी कमेंट मत किया करें, क्योंकि हम आप लोगों को हंसाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए थोड़ी वीडियो फनी बना लेते हैं, आप लोग ऐसी गलत कमेंट ना बोले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे भाई साहब, ये हाथरस कितनी दूर है यहाँ से? हाथरस भाई साहब यहाँ से ऐसा पड़ा है कोई 15-16 किलोमीटर से। नहीं, मुरसान तक हमें दल ले चलो, हम चल रहे हैं मुरसान तक। बैठ जाओ फिर। बैठा लो। ये तो मार लो धीरे से जाते हैं। ये फंस गया सी है। तो यहाँ से ऐसा होगा कि हाँ 15-16 किलोमीटर, यानी मुरसान से है 12 किलोमीटर, मुरसान यहाँ से 4-5 किलोमीटर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर मुरसान। आप बेल्ट लगा लो भाई साहब, मुल्ला जी। हाँ जी, लो साहब बेल्ट। बंद नहीं हुई यहाँ पे, ये हुक होगा उधर से, यहाँ लगाओ इसे, तो ये आवाज करना बंद कर दी, आप सेफ रहोगे। ओके, कहाँ लगाओ? ओके, यहाँ लगा दो, ये रहा तुम्हारी साइड में, मुझे लाओ हुक करा दो मुझे। ये हुक दे मुझे? हाँ हाँ, ये खींच के दे दो। हाँ, लो। अच्छा, अब बंद हो गई ये इसमें सेफ रहते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है बाई चांस तो आराम से सीट से चिपके रहेगा बंदा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है भाई साहब, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक हादसा हो गया था मुल्ला जी, बात ये थी। अच्छा। तो ये भागदौड़ करनी पड़ रही है, ऐसे कोई वो नहीं था। एक मतलब एक मर्डर हो गया था। अच्छा। Oh, no! इसी गाड़ी में हुआ था। हाँ। तो ये गाड़ी का चक्कर क्या, छोड़ने के चक्कर में हूँ इस गाड़ी को कहीं भी। अच्छा। तो इसलिए मैं बताया रास्ता मुझे कि आप हाथस की तरफ चले जाओ, उधर कोई नदी वदी होगी वहाँ कोई छोड़ देना। ये बात है मुल्ला जी, वैसे नहीं है कोई, तो आप बैठो, आपको बताने में कोई फर्ज दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो ना मैं आपको जानूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मर्डर ऐसे आदमी का हुआ है, पैसे वाला बहुत। अब ये समझ लो उसने इतनी पुलिस लगा दी है, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। हाँ, अब देखो ये फोन भी मैं किसी और का यूज लेके आया हूँ मांग के। मुल्ला जी देखो बचना पड़ता है, देखो कुछ दिन के बाद बेल ले लूंगा तो बच जाऊंगा। हाँ। लगा रहा हूँ सेटिंग भैया, बचना जरूरी है। हाँ वो ही है बस मुल्ला जी, ऐसा था मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया, मैंने किया नहीं है ये काम। हाँ, इल्जाम डाल दिया मेरे ऊपर। अब देखो इल्जाम डाल दिया तो देखो पुलिस तो ये समझती नहीं है। हाँ। तो पुलिस तो प्रूफ करके मानेगी, और अब मैं अपने आप को प्रूफ करना चाह रहा हूँ ये चीज। 5 लाख रुपए खर्च हो गए, मतलब बेकट, मतलब फोकट में। हाँ, फोकट में जो फोकट बोलते ना। तो भैया कोई बवाल आन पड़ा था, वो तो फोकट में ही हो। बस तो फोकट में हो गया ये काम मेरे साथ मुल्ला जी। तो अब जा गाड़ी है, तुम कैसे डालोगे फिर? छोड़ के आ जाऊंगा मैं, खड़ी करके, खड़े के बस छोड़ के भाग जाऊंगा। अच्छा, मतलब 10-20 दिन मिले नहीं ये गाड़ी। गाड़ी अपनी है। अच्छा, मर्डर हो गया इसमें, इसी चक्कर में मुझे दे दिए, छोड़ के आया नहीं, तेरे ऊपर इल्जाम हो जाएगा ये, इसे कैसे भी खत्म कर अपने ऊपर से। हेलो। हाँ, अरे यार गाड़ी इधर की साइड पे पार दी है मैंने रास्ते पे, कौन सा रास्ता है?
हाथस वाले रोड पे मार दी है मैंने गाड़ी। हाँ हाथस वाले मार दिए, छोड़ के आ जाऊंगा ऐसे। हाँ, अरे यार क्या करूं मैं, वो देखो इल्जाम कैसे छुड़ाऊं मैं यार, मैं कैसे बच सकता हूँ, बच नहीं सकता ना यार। अब मर्डर हो गया तो देख गाड़ी में ही हुआ है कत्ल यार, ये भी बीमारी है यार। हाँ अरे वही तो चक्कर है यार। हाँ तो मैं गाड़ी छोड़ के आ जाऊंगा, रास्ता पूछ लिया मेरे मुल्ला जी बैठ गए, उनसे पूछ लिया रास्ता तो। अच्छा हाँ, उनसे पूछ लिया रास्ता और निकल जाऊंगा, वहां छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई यार, जैसे मेरे पे इल्जाम लगाया मैं भी किसी पे इल्जाम लगा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। और क्या, मैं भी इल्जाम लगा दूंगा किसी पे, भाई मुझे भी तो बचना है कैसे भी। फोटो भेजूं, देखो मुल्ला जी हैं। हाँ इनका ही नाम लगा दो। बेटा मेरा नाम कल लगा। हाँ इनको ही लेके छोड़ दूंगा मैं, फोटो भेज रहा हूँ तुमको, देख लो, भेज देना पुलिस वालों को। देखो इससे भाई, देखो मुल्ला जी इससे हो गया मर्डर। जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया ना, ऐसे ही मैं आपका फोटो भेज दिया, आपके ऊपर इल्जाम बढ़ जाएगा। क्या कह रहे हो? मैं तो खुद मेहनत कर रहे हूँ, करके आ रहा हूँ बेटा, 300 रुपए मेहनत करके आ रहा हूँ। वो तो ठीक है मुल्ला जी, देखो मैं बच जाऊंगा, आप भी कुछ दिन छूट जाओगे। तुम्हें जी सोगा दे बेटा, तुम वो फंसा दे मेरे बच्चे भूखे मर गए, तुम्हारी मर्जी। हाँ हेलो चंपक। हाँ नहीं मुल्ला जी को ही ला रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ तुम कह दो बस, हाँ खत्म करो कहानी मेरे ऊपर से, मुल्ला जी को ही ला रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, इंतजाम करो, पुलिस वालों से बोल दो और पैसे वैसे 2 लाख रुपए पहुँचा दूंगा मैं अपना, मेरे ऊपर से नाम हटा दें। गाड़ी में बैठे मुल्ला जी मेरे साथ ही हैं, तो ठीक है मुल्ला जी। हैं मुल्ला जी तो रुको जरा, सबर करो, मुझे नहीं बता दो। नहीं नहीं तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे को इल्जाम लगाना है। यार चलो बात कर रहे हो ना, मुल्ला जी चलो तुम यार। मैं भैया तेरे हाथ जोड़ूं, मुल्ला जी समझा करो यार। अरे मैं उतारो का समझा करो भले यार, ऐसा देखो मेरे ऊपर इल्जाम हट जाएगा। यार मैं उतार दे, नहीं तुम बेल्ट लगाओ, उतार मैं उतार, मुझे बेल्ट लगाओ सही मुल्ला जी, बेल्ट लगाओ एक मिनट। हाँ बेल्ट जब लगाऊंगा मैं उतार दे भैया तेरे हाथ जो मुल्ला जी, समझा करो यार। मैं उतार, मैं मोड़ रहा हूँ गाड़ी यार, गाड़ी का ही मोड़ रही भैया। मुल्ला जी इल्जाम देखो, इल्जाम ले लो यार, देखो मैं बच जाऊंगा मुल्ला जी। यार वो उतार दे भैया, मैं समझा करो यार, मैं समझा क्या कर रहे हैं भले आदमी, वो उतार दे तू, मैं बच जाऊंगा मुल्ला जी। देखो ये फोटो खिंचा लो इसको लेके। अरे फोटो मैं काई खिंचा लूं, एक फोटो पकड़ लो, एक फोटो खींच लो मैं, तो मैं काई को जाकर पकड़ो सही। अरे मैं काई पकड़ू यार, पकड़ ले एक और मुल्ला जी पकड़ लो यार। अरे यार जा खोल दे यार, फोटो खिंचवा लो तो जा खोल जा। हां खोल दूंगा मैं एक बार, फोटो जा खोल दे तू, खुल जा मैं इधर समझा करो मुल्ला जी, खोल दे यार तू जा खोल दे मुल्ला जी, समझा करो यार। अरे खोल दे यार मैं तो कह रहा हूँ, मुल्ला जी समझा करो यार, तुम वो जा खोल यार मेरे, जा खोल दे, समझा करो मुल्ला जी, खोल तू जा मो जी, तूने क्या लगा दिया जी तो बेल्ट है ये खोल दे तो जा। अरे मुल्ला जी समझा करो यार, तेरा जा चो ना खोल लिया भले आदमी, खोल दूंगा जा खोल तू जा, तो मैं खोल दूंगा तार दूंगा तुम्हें, एक भैया मत तू फोटो खिंचवा लो, बस फोटो खिंचवा लो, मैं काई फोटो खिंचवा लूं जा, एक खिंचवा लो फोटो मुल्ला जी। मजाक कर रहा हूं मैं, जो अनजान गाड़ी में बैठते हैं ना उन लोगों का मजाक करता हूं मैं। तो बेटा मो काई फंसा रहे हैं बता, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये, देखो ये वैसी लाइटर है, ये कोई कट्टा बंदूक। तो बेटा तू वो फांस रहा है बता, मैं फांस नहीं रहा हूँ, जो अनजान गाड़ी में बैठ जाते बिना जान पहचान के, हम लोग उन लोगों को अवेयर करते हैं कि अनजान गाड़ी में लिफ्ट ना ले,
आप मुझे नहीं जानते हो और मैं आपको नहीं जानता। मेरी कमी है बेटा, मैं बस यही कमी हम लोगों के दूर कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है, देखो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लोगों के लिए, हनी के अनजान गाड़ी में लिफ्ट करना था तेरा मैं वैसे ही। अब तो मैं यहाँ छोड़ दूँ, छोड़ गया ना मैं टमल्ली फाट करूंगा मैं, अगर चल रहे हो तो मैं तो मजाक करता हूँ ऐसे। अच्छा ये बोल दो अनजान गाड़ी में ना बैठे, बोल दो एक बार अनजान गाड़ी में ना बैठे, अनजान गाड़ी में ना बैठे भैया। घबरा गए मुल्ला जी? बेटा घबरा नहीं, बाट ही तू मत। ये आपके लिए पैसे लिफाफा है हमारी तरफ से, इसमें पैसे आपके लिए इनाम के तौर पर, देख लो लिफाफे आपके लिए और लेके वहीं खोल लेना अपने पास, ठीक है रख लो इसे। अब मजाक करते हैं लोगों के साथ, ऐसे ही फनी फनी वीडियो बनाते हैं। मैं बेटा का यही तो कह रहे हूँ। हाँ यही है उल्ला जी, मैं तो बिल्कुल ही परे कसम से हट पैर हो जाता हूँ। क्यों ऐसा है? हम लोग अवेयर करते हैं कि जैसे अनजान गाड़ी लोग बैठ जाते हैं बिना जाने पहचाने, मुल्ला ही देखो 200-500 हर किसी आदमी मिलेगा, एक मिनट लूट ले कोई तो इस चक्कर में देखो, तो आप देखो काम करके आ रहे हो अपना, ठीक है अभी छुड़ा ले एक मिनट में, क्या फर्क पड़ता है? तो आप डर की वजह से दे भी दोगे उनको, देखो डर डर ऐसी चीज होती है, इसलिए लोग अवेयर कर रहे हैं हम। बिल्कुल यही बोलते हैं हम, यही लोग मैं तो बहुत एकदम यो मान लो तुम देर और ऐसी बात हसीना दिलाओ तो मेरा तो हट पैर हो जाता। अरे ऐसे नहीं, ज्यादा हम परेशान नहीं करते, हम लोग थोड़ा थोड़ा मुल्ला जी, खुशी से जाओ आराम से। अच्छा। मैं यही मजाक करने के लिए आया था, मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है मुल्ला जी।